अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे, तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना, और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर हैं, शेर, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को, जहर कर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन। अगर आप ऐसा ही बोलते रहे तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए, अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा, और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का समय